आशा है कि आप अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे। वेलकम टू आवर चैनल माजू ऑन एजुकेशन। आज हम वाक्य विचार पढ़ेंगे। वाक्य विचार जिसे इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई को वाक्य कहते हैं। सार्थक मतलब जिन शब्दों का मेल होता है और उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों के सार्थक मेल को या पदों के सार्थक मेल की जो इकाई बनी है उसको क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। वाक्य जो है वो स्वतंत्र होता है, उसका अपना जो है पूर्ण अर्थ अपने आप में वो पूर्ण होता है। वाक्य में भाव को प्रकट करने की जो है वो क्षमता होती है। वाक्य के अंदर अपने भाव को प्रकट करने की क्षमता होती है, अर्थात वह अपनी बात को स्पष्ट कर सकता है कि वो उस वाक्य के अंदर क्या कहा गया है, उस अर्थ को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं वाक्य के गुण। वाक्य के गुण, एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अपने भावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में सफल होता है, अर्थात चाहे व्याकरण की दृष्टि से हो चाहे बोलने की दृष्टि से हो, वह इस तरह से बोले कि उसके भाव जो है सुनने वाले को तुरंत समझ में आ जाए, तो वो क्या होता है? वो अच्छा वक्ता होता है। और वाक्य के गुण जो है वो कौन कौन से होते हैं आप देखते हैं। सबसे पहला गुण है आकांक्षा या इच्छा। वाक्य जो होता है उसमें पदों का वाक्य जो पदों के मेल से बनता है, किसी भी वाक्य में आने वाले जो पद हैं उनको जानने की इच्छा जो होती है वो क्या कहलाती है? आकांक्षा। जैसे अगर कोई वक्ता नवीन को कहकर छोड़ देता है तो सुनने वाला जो होता है उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आगे क्या कहा जाएगा, तो क्या बोलते हैं हम? नवीन को बुला कर लाओ। अब अगर इसको इकट्ठा कर देंगे, इसको बीच से निकाल के इसको पास में लगा देंगे तो हम स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि नवीन जो है एक लड़का है, उसे बुला कर लाओ, उसे यहाँ लेकर आओ, उसे बुलाओ। आगे है योग्यता या अर्थ का ज्ञान कराने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है? योग्यता मतलब अर्थ जो है उस वाक्य का क्या अर्थ है उसके बारे में बताने की जो योग्यता होती है, क्षमता होती है, उसे क्या कहेंगे? योग्यता कहते हैं। जैसे मनुष्य घास खाता है, घोड़ा रोटी खाता है, क्या ये वाक्य सही है? बता सकते हैं आप? क्योंकि इनका अर्थ जो है वो सही नहीं है। क्या होना चाहिए अर्थ यहाँ पर? मनुष्य क्या है? मनुष्य रोटी खाता है। और घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा जो है वो घास खाता है। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ ये है कि वाक्य जो है योग्यता के अनुसार होना चाहिए, उसका अर्थ जो है स्पष्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिसकी वजह से हम उसे बोले और अगला जो श्रोता है वो उसके अर्थ को अच्छे से समझ जाए। इसके बाद है निकटता। वाक्य जो होता है उसके अंदर जो भी पद या जो भी शब्द आते हैं उनमें ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, उनमें निकटता बनी रहनी चाहिए, क्रमान मतलब निकटता इतनी होनी चाहिए कि जिससे हम उसके अर्थ को समझा सके। जैसे एक वाक्य है रोको मत जाने दो, इसका क्या अर्थ हुआ? रोको मत जाने दो, भी रोकना नहीं है इसको, जाने दो। अगर इसमें थोड़ी दूरी आ जाए रोको मत जाने दो, इसका अर्थ बदल गया ना, भी इसको रोको जाने मत दो इसको, इसका मतलब जो है रोको मत जाने दो, भी उसे रोकना नहीं है उसे जाने दो। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी दूरी आ जाती है रोको मत जाने दो, इसका अर्थ है कि उसको रोक लो, इसको जाने मत दो। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो वाक्य शब्दों में निकटता का होना बड़ा जरूरी है, अगर निकटता नहीं होगी तो अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। इसके बाद है पदक्रम। जो पद है ना वो क्रम के अनुसार होनी चाहिए ताकि अर्थ जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। अगर उलट पुलट लिख दे क्रम के अनुसार उन पदों को ना लगाए तो हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैंने जो वाक्य लिखा है उसका अर्थ देखना आप, क्या वो अर्थ की दृष्टि से सही है, पदक्रम के अनुसार सही है? राम है दिल्ली पब्लिक में पढ़ता स्कूल, गलत है नहीं, क्या होना चाहिए? राम दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। इस तरह से ये क्रम जो है इसका सही होगा, अर्थात जो भी शब्द आए वो क्रम के अनुसार आए। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद ता है ते है ती जो भी आता है सभी, इस तरह से वाक्य कंप्लीट होना चाहिए। अगर शब्दों को इधर से उधर कर देंगे तो जिसकी क्रमबद्धता न होने के कारण जो है वाक्य जो है उसका अर्थ बदल जाएगा। इसके बाद है अन्वय। अन्वय का मतलब क्या होता है? अन्वय का मतलब होता है एक रूपता या मेल, वाक्य के अंदर एक रूपता होनी चाहिए, मेल होना चाहिए, व्याकरण के जो नियम है उनके अनुसार वाक्य के पदों का प्रयोग जो है वो अन्वयता कहलाता है। व्याकरण के अनुसार जो है वाक्य के अंदर पदों का वाहन होना चाहिए या पदों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे दोनों बहनों ने भाई का राखी बांधा, तो क्या ये व्याकरण की दृष्टि से सही है? नहीं सही है ना, तो क्या आना चाहिए? दोनों बहनों ने भाई को राखी बांधी, इस तरह से जो है
क्या होगा, शुद्ध होगा। ये देखिए हमने हमने वाक्य के गुण, गुणों के बिना वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इन गुणों को सबसे पहले हमें करना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि वाक्य जो है अर्थ की दृष्टि से, निकटता की दृष्टि से, पदक्रम की दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से और इच्छा की दृष्टि से वाक्य जो है पूर्ण होना चाहिए, तभी वाक्य का हम अच्छे से अपने भाव को भी प्रकट कर सकेंगे और श्रोता को अपने हमारे भावों को अच्छे से समझा सकेंगे। आगे हम करते हैं वाक्य के अंग, कौन कौन से होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे पक्षियों ने दाने चुग लिए हैं, गरीब आदमी को भोजन दो। तो इनमें उद्देश्य कौन सा है, उद्देश्य का मतलब है इंग्लिश में हम जिसे सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, पक्षी, पक्षियों ने दाने चुग लिए हैं, तो उद्देश्य क्या है, पक्षियों। यहाँ गरीब आदमी, गरीब आदमी को खाना दो, इसलिए सब्जेक्ट कर्ता कौन है, उसे कर्ता को उद्देश्य बोलते हैं ना, तो कर्ता कौन है यहाँ पर, गरीब आदमी, गरीब आदमी को भोजन दो, तो उद्देश्य यहाँ पर कौन है, गरीब आदमी। उसके बाद देखते हैं विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, मतलब कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे अतुल साइकिल चला रहा है, अतुल तो क्या हुआ, उद्देश्य, तो विधेय क्या हुआ, साइकिल चला रहा है। जो कुछ भी इसके बारे में कहा गया ये क्या है, विधेय, अर्थात काम को करने वाला जो है, उद्देश्य जो है, उसके बारे में जितना भी कहा जाता है वो सारा क्या होता है, विधेय। जैसे राम पढ़ रहा है, राम क्या हुआ, उद्देश्य, तो विधेय क्या हुआ, पढ़ रहा है, ये क्या हो गया, विधेय। आगे देखते हैं, इस उद्देश्य और विधेय का जो है विस्तार भी किया जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे बालक खेल रहा है, बालक खेल रहा है, इसमें कौन है उद्देश्य, बालक, बालक खेल रहा है। इसके बाद अगर इस उद्देश्य को बढ़ाना है, बढ़ाना है तो क्या कहेंगे, नटखट बालक खेल रहा है, ठीक है। तो इस जो ये उद्देश्य इसका, इसके साथ क्या लग गया, नटखट, नटखट से इसका विस्तार हो गया, नटखट बालक जो है वो खेल रहा है। इसी तरह से हम विधेय का विस्तार भी कर सकते हैं, अपनी बात को स्पष्टता से कहने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए हम इनमें विस्तार कर सकते हैं, ताकि अगले को समझ में आ जाए, श्रोता को, कि हम क्या भाव हम बताना चाह रहे हैं कर्ता के बारे में या उसके काम के बारे में। तो विधेय का विस्तार क्या है, दीपक पढ़ रहा है, यहाँ सिंपल है, दीपक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर उद्देश्य हो गया दीपक, और पढ़ रहा है क्या है, विधेय। अब इस पढ़ रहा है इसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, दीपक रोचक कहानियां पढ़ रहा है, पढ़ रहा की जाए क्या, क्या हो गया, रोचक कहानियां पढ़ रहा है, तो ये सारा क्या हो गया, ये विधेय हुआ, तो इसका मतलब है कि विधेय का विस्तार हो गया। कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषा जो है इतनी समृद्ध है कि इसमें हम अपने भावों को जैसा सोचते हैं वैसा ही हम दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, अपने भावों को बिल्कुल उसके अंदर डालते हुए ऐसे जान डल जाती है, बिल्कुल बोलते हैं तब इस तरह से। अब इसका विस्तार तभी किया जाता है जब हम अपने भाव किसी के सामने बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं, वैसे तो बालक खेलते ही हैं, लेकिन अगर बच्चे सारे ही नटखट होते हैं तो हमें इसका थोड़ा विस्तार करना है, बच्चे के बारे में थोड़ा सा ये बताना है कि बच्चा नटखट है तो क्या कहेंगे हम, भी नटखट बालक खेल रहा है। इसी तरह से पढ़ रहा है, इसका विस्तार करना है तो रोचक कहानियां पढ़ रहा है, या कुछ और भी कह सकते हैं, कॉमिक्स बुक, कॉमिक्स की किताबें पढ़ रहा है, या जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ रहा है, या अखबार पढ़ रहा है, इसकी जगह जो भी लगा देंगे वो सारा क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तार हो जाएगा। वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और एक है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य जो होता है जिस वाक्य में एक उद्देश्य, मतलब एक काम को करने वाला, एक विधेय, मतलब उसके बारे में एक ही बात और एक ही क्रिया होती है, उसके द्वारा काम किया गया जो काम है वो भी एक ही है, उसे क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। जैसे बाजार खाली पड़े हैं, यहाँ बाजार एक ही उद्देश्य है, खाली पड़े हैं, एक बात ही बता रहे हैं यहाँ पर, बाजार खाली पड़े हैं, कोरोना का कहर बरस रहा है, क्या हो रहा है, कोरोना का जो कहर है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो बाजार है वो खाली पड़े हैं, तो ये क्या है, ये है सरल वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया होने का भाव हो, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे कल विद्यालय बंद रहेगा, बाजार खूब सजा है, बापू हमारे
राष्ट्रपिता हैं। इस तरह के वाक्य जो है वो सर्ववाक्य कहलाते हैं। इसके बाद हम करेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य जो है वो योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। योजक शब्द मतलब दोनों के अर्थ अलग अलग भी कर दे तो भी निकलते हैं, अलग अलग करने पर भी उनके अर्थ निकलते हैं, लेकिन उनको योजक के साथ जोड़ दिया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। योजक कौन कौन से होते हैं? जैसे और, या, यथा, यद्यपि, ये सब जब बीच में आ जाते हैं और उस वाक्य का पूरा अर्थ निकालते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे बादल गरजे और वर्षा आ गई, बादल गरजे इसका भी अर्थ निकलता है, बादल गरजे और वर्षा आ गई, वर्षा आ गई इसका भी अर्थ निकलता है, और दोनों को जोड़ दिया गया है तो इसको क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। जैसे आप चाय पियेंगे या कॉफी, आप चाय पियेंगे, अकेला कॉफी भी बोल सकते हैं कि आप कॉफी पियेंगे, तो यहाँ पर क्या है? आप चाय पियेंगे या कॉफी, या तो आप चाय बताएं या कॉफी बताएं, मतलब कि दोनों के बीच में क्या आ गया? योजक शब्द, योजक शब्द आ गया या, इसलिए इसे क्या कहेंगे? हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी, रमेश ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली, इस तरह के जो वाक्य होते हैं इन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। इसके बाद करेंगे हम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है, मतलब एक उपवाक्य तो प्रधान होता है, वह अन्य जो उपवाक्य होते हैं उसके ऊपर आश्रित होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। आश्रित, मिश्र, इस तरह से आप लोग इसका ध्यान में रखेंगे कि एक वाक्य उपवाक्य जो है प्रधान होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे जो परिश्रमी है वह सफल है, कहने का अर्थ है जो परिश्रम करेगा, जो अगर अकेला कह दें जो परिश्रमी है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो क्या कहेंगे? जो परिश्रमी है वह सफल है। इस तरह से माँ ने कहा था, माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, यहाँ पर क्या है? प्रधान वाक्य कौन सा है? माँ ने कहा था, क्या कहा था? कि उन्हें बाजार जाना है, ये जो है इसके ऊपर आश्रित वाक्य है। इसके अलावा एक दो और बताए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मीठा बोलता है वह मेरा मित्र है, जब तुम आओगे तभी मैं आऊंगा, ये सब बातें जो है मिश्र वाक्य के अंदर आते हैं। इस तरह से हमने देखा ये वाक्य के भेद। अब हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं देखते हैं। नंबर एक, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में किसी काम के होने का सामान्य रूप से बोध हो, मतलब सामान्य रूप से आम बात है कि भी कोई काम हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे सूरज चमकता है, अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे खेल रहे, इस तरह सामान्य जो बातें काम हो रही हो उसके बारे में यहाँ पर विधानवाचक में बताया जाता है कि साधारण रूप से क्या क्या काम हो रहा है। इसके बाद है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब क्या होता है? नहीं वाले वाक्य, जिसमें नेगेटिव वाक्य होते हैं, जो जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में कार्य के न होने का बोध हो, जिस वाक्य में कार्य के न होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ बैठना अलाउ नहीं है। दूसरा है आज मैं भोजन नहीं करूंगा, यहाँ क्या है? निषेधवाचक मत, एक तो मत है, ये है निषेधवाचक भी, नहीं बैठना, और एक नहीं, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, बच्चों शरारत मत करो, इस तरह के जो वाक्य हो इसमें आएंगे निषेधवाचक वाक्य में। इसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो, किसी तरह के प्रश्न को पूछने का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है, तो इसमें प्रश्नवाचक क्या है? किसकी, यह किसकी पुस्तक है। इसके बाद है तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ क्या है? क्या, किसकी, कौन, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो जब ये आ जाते हैं तो कौन से वाक्य होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें किसी प्रश्न को पूछा जाता है। इसके बाद है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध हो। आज्ञा, किसी को आज्ञा दी जाए, किसी को उपदेश दिया जाए, ऐसा करना चाहिए, हमें सदैव सच बोलना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, ऐसे उपदेश देना, प्रार्थना, हे भगवान
हमें ये दे दो वो दे दो, जैसे हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, अपने बड़े से प्रार्थना करते हैं कि हमें कृपा करके आप ये दे दीजिए, अनुमति मांगते हैं क्या मैं अंदर आ जाऊं, जैसे बच्चे कक्षा में अध्यापक से बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, अनुमति मांगते हैं, तो ये सब जिससे बोध होता है उसे क्या कहेंगे, आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे सदा सच बोलो, एक ये कौन सा है, सदा सच बोलो क्या है, उपदेशवाचक वाक्य, यहाँ उपदेश कहा गया है कि भी सदा सच बोलो। इसके बाद है एक गिलास पानी लाओ, ये कौन सा है, आज्ञावाचक, आज्ञा दी जा रही है कि एक गिलास पानी लाओ। इसके बाद है संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने पर संदेह हो, मतलब पक्का नहीं है कि वो होगा या ना हो, किसी काम पर संदेह हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे वर्षा होने की संभावना है, यहाँ पर वर्षा हो नहीं रही, वर्षा होने की संभावना, जो संभावना है क्या है, संदेहवाचक शब्द है, इसलिए वाक्य जो है संदेहवाचक होगा। शायद मेरी लॉटरी निकल आए, शायद हो सकता है कि मेरी लॉटरी निकल आए, तो ये क्या है, संदेहवाचक, ऐसा मुझे संदेह है। इसके बाद है संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक काम का होना दूसरे काम के होने पर निर्भर करता है, भी एक काम तब होगा जब दूसरा काम हो रहा होगा, एक साथ दो काम पूरे हो रहे हों तो उसको क्या कहेंगे, हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे यदि सावधानी बरती जाए तो कोरोना से बचा जा सकता है, भी यदि हम जैसे सरकार बोल रही है या जैसे विशेषज्ञ बोल रही है कि हमें अपने घरों में रहना है, हाथ धोने हैं बार बार, तो ये सब बातें अगर हम ध्यान देंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं, इसे हम लड़ सकते हैं, विजय हो सकते हैं। ये था हमारा संकेतवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं, जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है, वे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। इच्छा मतलब जो दिल से निकलती है, जब हम किसी को दुआ देते हैं या बददुआ देते हैं, जो हमारे अंदर से निकलते हैं, अंतःकरण से निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इच्छा। तो उस इच्छा को व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य। जैसे भारत कोरोना पर विजय भव, कि मेरी दिल से इच्छा है कि भारत जो है कोरोना पर विजय प्राप्त करे, ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो, मेरे मन से मैं ये कह रही हूँ कि ईश्वर करे आपकी आयु जो है वो लंबी हो। कहने का अर्थ ये है, ये जो बातें हैं ये किससे कही जाती हैं, हमारी अपनी इच्छा से कही जाती है, अंतःकरण से निकलती हैं ये बातें, आशीर्वाद हो या फिर शुभकामनाएं हो, तो ये सब ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद है विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य, जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, विषय मतलब अचानक किसी चीज को देख के हम अचंभित हो जाते हैं, हर्ष खुशी, शोक गम, घृणा किसी से नफरत, प्रशंसा किसी की अच्छाई बड़ाई करना आदि का बोध हो, उसे विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य, जब हम किसी सुंदर मनोरम दृश्य को देखते हैं, अच्छे दृश्य को देखते हैं, तो हम क्या, हमारे मुंह से क्या निकलता है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अगर हम कहीं ऐसी जगह चले जाएं वहां पर काफी बदबू आ रही हो तो हम क्या कहेंगे, छी कितनी बदबू आ रही है। और किसी के साथ अगर बुरा हो जाता है तो हमारे दिल से क्या निकलती है, ओह बहुत बुरा हुआ। इस तरह ये जो भाव थे ये क्या थे, विस्मयादि बोधक भाव थे, विस्मय वाले भाव थे, जिसमें क्या है, ये तो कौन सा है, हर्ष वाला, ये क्या है, घृणा वाला, और ये क्या है, शोक वाला। इस तरह से ये सब जो है विस्मयादि वाचक वाक्य के अंदर आते हैं। ये हमने आज पढ़ा वाक्य विचार जो है कंप्लीट। गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक वाक्य विचार, जो हमने डिटेल से किया। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके बारे में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।